गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास का तीसरा लेक्चर है मैथ का। हमने वैदिक गणित लगभग कंप्लीट कर ली थी। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत भी की थी कि सर सही नहीं दिख रहा। खैर वो तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और एक बच्चे ने पूछा था, रौनक ने, कि सर ध्वजांग विधि समझ में नहीं आई, तो मैं आज उसको पुनः एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी और सवाल ऐसे कोई टफ नहीं थे, फिर भी किसी ने कंप्लेंट नहीं की, इसका मतलब समझ में आपके आ गया, आपने किया होगा। और करने के बाद में अगर आपको कोई समस्या नहीं आई तो इसका मतलब कोई कंप्लेंट नहीं की, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। एक की भाग की कंप्लेंट आई है जो अपन पूरी करते हैं। उसकी ध्वजांग मेथड है, उसको एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं हम। तो देखिए, ध्वजांग मेथड का एक सवाल लिख करते, ध्वजांग मेथड के लगभग मैं सारे सवाल क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से हम करेंगे। पहला सवाल में ध्वजांग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ टॉपिक वैदिक गणित, ये टॉपिक अपना मैथ वैदिक गणित के अंतर्गत ही चल रहा है अपना। ध्वजांग मेथड वापस रिपीट कर रहे हैं। विधि से भाग, देखिए पहला सवाल मैंने आपको दिया था, इसमें 4532 डिवाइड 112 का अपन को इसमें भाग देना है। देखिए किस प्रकार से हम करेंगे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसमें तीन खंड बनाने हैं आपको, और तीन खंड में संख्याएं कैसे लिखेंगे वो आपको लिखना भी बताया था कि इसमें दो शब्दों का विशेष करके महत्व होता है, ध्वजांग और मुख्यांग। ध्वजांक मैंने बताया था इकाई वाले अंक को, जो भाजक होता है, भाजक में से इकाई वाले अंक को हम ध्वजांक मानेंगे। और मुख्यांक ध्वजांक को छोड़ करके शेष इधर वाले निकलम कहलाते हैं इनको, इसको चरम अंक कहा जाता है। वैदिक गणित में इकाई के अंक को चरम अंक कहा जाता है। तो चरम अंक तो आपको ध्वजांक लेना है, और चरम अंक को छोड़ने के बाद में शेष सारे अंक निकलम अंक कहलाते हैं। तो निकलम अंक इसमें मुख्यांक कहलाएंगे। अब सबसे पहले इसमें यही जरूरी है कि अपन ध्वजांक और मुख्यांक कैसे छांटें। देखिए तो ध्वजांक अंक इकाई का अंक लेना है आपको, और शेष अंक मुख्यांक लेने। अब देखिए लिखेंगे कैसे, ध्वजांक ध्वजांक को ऊपर लिखेंगे, मुख्यांक को नीचे, जैसे 11 की घात 2 ऐसे लिखेंगे हम। अब इन दोनों खंडों में कैसे लिखेंगे, ध्वजांग में एक अंक है तो इसमें इकाई वाला अंक तो आप तीसरे खंड में ले लीजिए, बाकी के 453 मध्य खंड में। अब इसमें क्या है कि वर्किंग स्टेप चलते हैं, संकेत लिखने पड़ेंगे, उसी से आपको ये समझ में आएगा थोड़ा सा, क्योंकि लेंथी है सवाल थोड़ा सा। अब पहला स्टेप क्या होता है कि इस 11 का भाग आपको 45 में देना है। 45 में 11 का भाग देना, तो चार बार चला गया, शेषफल एक बच गया, क्योंकि गिरे चौक 44 हो जाएंगे, 45 में से 44 घटाएंगे तो एक शेषफल बचेगा, तो शेषफल एक हो गया और भागफल चार हो गया। भागफल नीचे लिखे जाएंगे, शेषफल ऊपर लिखे जाएंगे एज उपसर्ग के रूप में। अब नया भाज्य आपको बना, नया भाज्य 13, इसमें संशोधित भाज्य निकालना पड़ता है,
संशोधित भाज्य सूत्र में लिखाया था नया भाज्य माइनस ध्वजांक इंटू भागफल फर्स्ट, भागफल फर्स्ट होगा क्योंकि ये भागफल फर्स्ट है। अब नया भाज्य आपने 13 निकाला है तो 13 लिखेंगे, ध्वजांक आपके 2 है और ध्वजांक 2 है, शेषफल सॉरी भागफल 4, 13 माइनस 8 बचेंगे 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि इसमें देखो जो प्रॉब्लम आएगी वो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, और जो प्रॉब्लम आती है वही सवाल बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सरल तो हर कोई स्टूडेंट कर लेता है, कुछ ऐसे जो उसमें सवाल में ऐसी खूबी होती है कि हर स्टूडेंट उसको नहीं कर पाता है, और जो स्टूडेंट उस खूबी को समझ जाता है वो 100% उस सवाल को सही कर लेता है। देखिए, हम 5 में भाग देना है 11 का। अब आप कहेंगे सर 11 का भाग 5 में भी जाता है क्या? नहीं जाता है, मैं भी कहता हूँ नहीं जाता है, लेकिन 0 बार जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 में 11 का भाग 0 बार जाएगा, शेषफल आपके बचेंगे 5। और एग्जांपल्स मैं इधर देख करके बताता हूँ आपको कि 11 का भाग 5 में देना है, क्योंकि संख्या छोटी है तो इसका मतलब 0 बार ही जाएगा, घटाएंगे 5 शेषफल, तो भागफल 0 आ गया और शेषफल 5 आ गया। अब भागफल यहाँ पे लिखेंगे और शेषफल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में नया भाज्य बन गया 52, नया भाज्य, संशोधित भाज्य 52 में आपको दूसरा भागफल इंटू ध्वजांक घटाना है, यानी 4 2 इंटू 0 घटाना है, तो 52 माइनस 0 ही तो 52 ही बचेंगे, ये आपके तीसरे खंड में आप निकाल रहे हैं इसका, तो यहाँ पे 52 इसका शेषफल आ गया, तो इसका भागफल तो आपके प्राप्त कर लिया आपने 40 और शेषफल रिमाइंडर 52, ये इसका आंसर है। तो देखिए, ध्वजांक मेथड से भाग करना है तो आपको कुछ स्टेप भी याद रखने हैं किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले किसका भाग, भाग हमेशा मुख्य अंक का ही देना है, ध्वजांक केवल मल्टीप्लाई के काम में आएगा, भाग कहीं नहीं लगेगा। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट इसको गलत लिख देते हैं, 11 भाग 45 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट की थिंकिंग यही होती है भाग देना 45 में 11 का, लेकिन 11 भाग 45 लिख दे, वो समझ नहीं पाते किस में किसका भाग देना, तो उसको आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लीजिए कि हम 45 में 11 का भाग दे रहे हैं, तो 45 पहले स्थान पे होना चाहिए और 11 का भाग दे, जो संख्या का भाग देते वो तो पीछे होती है भाग देने वाली संख्या, तो इस तरीके से ऐसी गलतियाँ नहीं करें। कई स्टूडेंट कॉपियाँ चेक करते हैं या किसी को देते हैं हम क्लास में, तो वो ज़्यादातर यही गलतियाँ दोहराते हैं। यहाँ पर भी 11 भाग 5 लिख देता तो 11 5 में, तो 5 का भाग तो 11 में जाएगा दो बार, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी स्टेप, ये यहीं पर इम्पॉर्टेंट है ये सवाल, जो बच्चा इस टेक्निक को समझ गया वो सवाल कर लेगा, जो बच्चा इस टेक्निक को नहीं समझ पाया तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि यहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 5 में 11 का भाग नहीं जाएगा, उसके दिमाग में कई तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे कि 5 में 11 का भाग नहीं जाता है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को बचने के लिए आपको मैंने इधर एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से छोटी संख्या पे बड़ी संख्या का भाग देते हैं। एक वो है पॉइंट लगा करके देना है, भाई पॉइंट लगा दें या 50 हो जाए तब तो जाएगा, लेकिन वैदिक गणित में पॉइंट के भाग का कोई महत्व नहीं है, पॉइंट का भाग अपन को नहीं करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे पॉइंट लगा दें और 50 करके 44 कर दें, पॉइंट 4 नहीं लिखना है आपको, 0 बार अगर संख्या भाज्य छोटा है और भाजक बड़ा है तो आपको भाग 0 बार ही देना है। अब देखिए आगे नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन, इसका नेक्स्ट सवाल मैंने दिया था आपको कि
1234 में भाग देना है 42 का, 1234 में भाग देना है सेकंड 1234 में भाग देना है 42 का। अब देखिए आपके किस तरीके से हम करेंगे, ध्वजांग आपके 2 हो गया, मुख्यांग 4, हुई आपको 3 खंड बनाने हैं, ऊपर ध्वजांग निकला है, नीचे मुख्यांग लिखना है, एक अंक है तो 4 इसमें, 123 इसमें, वही आपको शायद ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा, फिर भी एक बार पुनः देख लेते। 12 का भाग 4 में देना तो 4 थी 12, 3 बार शेषफल 0 बच गया, और यहाँ पे 3 और शेषफल 0। अब देखिए नया भाज्य 0 3, संशोधित भाज्य, नया भाज्य सूत्र भी लिखाया था, नया भाज्य माइनस ध्वजांग इंटू भागफल फर्स्ट, तो ध्वजांग नया भाज्य 0 3 है, ध्वजांक आपके 2 है और भागफल है 3, तो 0 3 माइनस 6, ये माइनस के 3 बच गया, जो कि गलत है क्योंकि संशोधित भाज्य कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। हाँ छोटा हो प्लस में आ जाए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, लेकिन वो प्लस में आनी चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं आना। तो इसमें क्या करेंगे, इसका भी तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर संशोधित भाज्य ऋणात्मक आ जाए तो आपको यहाँ पे भाग एक अंक कम देना है, 3 बार दिया तो 2 ही बार देना है आपको, तो 4 2 8 तो शेषफल 4 बच जाएंगे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 43 बन गए और यहाँ पे 2 × 2 बन गए। अब 43 में से 4 घटाने हैं, 43 में से 4 घटाएंगे तो 39 39 बचेंगे, 39 अब प्लस हो गया क्योंकि आपको प्लस बनाना है। प्लस बनाने का तरीका यही है कि यहाँ पे जितनी बार भाग दिया तो उसमें एक अंक कम दे देंगे, चाहे 3 बार दिया तो 2 ही बार देना, तो शेषफल बढ़ जाएगा, शेषफल बढ़ जाएगा तो नया भाज्य का मान भी बढ़ जाएगा, नया भाज्य का मान बढ़ेगा तो आगे संशोधित भाज्य पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। अब भाग देना है आपको 39 में भाग देना है वही आपको 4 का, तो 4 9 36 हो गए, 4 9 36 और शेष फल बचेंगे 39 में 36 बाकी निकालेंगे, 3 शेष फल बच जाएगा, तो 3 यहाँ पे लिखना है 39 यहाँ पे, फिर नया भाज्य निकलना है, नया भाज्य 34। अब संशोधित हर ध्वजांग मेथड में यही आपको ध्यान देना है कि जब भी नया भाज्य आए तो आपको जस्ट ही उसके नीचे संशोधित भाज्य निकालना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होने का कारण यही है, अगर इसके बाद में डायरेक्ट ही आपने भाग जितनी का भी भाग देना वो दे दिया तो वो गलत है, क्योंकि आपको हर नए भाज्य के नीचे संशोधित भाज्य निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको संशोधित भाज्य निकालना है और संशोधित भाज्य नया भाज्य 34 माइनस ध्वजांक इंटू भागफल सेकेंड 2 × 9, तो यहाँ पे 34 माइनस 18 घटाएंगे, 14 में से 8 गए तो 6, 2 में से 1 जाएगा 1, शेषफल 16 बन गया, तो इसका भागफल बन गया 29 और शेषफल 16। ये इस तरीके से अपन ने ये किया था। अब तीसरा है, तीसरा आप कर लेंगे या एक बार मैं बता देता हूँ, चारों ही एक बार आप सही कर लेना। तीसरे सवाल में देखो भाजक, हो सकता है गलती मैंने लिखा दिया हो क्योंकि मिसप्रिंट भी हो सकती है तीसरे में, या तीसरा मैंने ये लिखाया था
98,765 भाग 87। ये लिखाया था, शायद यहाँ पे मैंने कुछ गलत संख्या दे दी थी, मिसप्रिंट हो सकती है, क्योंकि हाँ शायद इसी में मैंने कुछ संख्या लिखी थी, वो उसके अकॉर्डिंग करना, यहाँ पे बुक में ही आपको 87 दे रखी है। देखिए वही तरीका है, द्वयजांक 8 और मुख्यांक 7। तीन खंड बनाने हैं आपको। पहला खंड में आपको ध्वजांक और मुख्यांक लिखने हैं, 8 और यहां पे 7। इसमें से एक संख्या इसमें लेनी है आपको और एक संख्या 5 देखिए, ध्वजांक में एक अंक है तो यहां से इसमें से एक ही अंक लेना है, बाकी के शेष निखिलम अंक बच गए उसको यहां पे उतारना है मध्य खंड में। अब लिखने का कार्यक्रम पूरा हो गया, किस खंड में कितनी संख्या है, कैसे लिखना है, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब वर्किंग स्टेप देखते हैं इसके। पहला है अपन को भाग देना है, देखिए यहाँ पे 7 का भाग 9 में ही जाता है, दो अंकों में कब देते हैं, जब पहली संख्या में नहीं जाता तब दो अंक लेते हैं अपन, यहाँ पे 7 का भाग 9 में ही जा रहा तो एक ही अंक में देंगे, दो में नहीं देंगे अपन, ये इस बात का भी विशेष करके ध्यान दें। 9 भाग 7 तो 7 एकम 7, शेष फल बच जाएगा 2, शेष फल 2 आ गया, नीचे 1 लिखेंगे शेष फल 2 यहाँ पे लिखेंगे, नया भाज्य। अट्ठाईस बन गया, देखिए मैंने आपको कहा था नया भाज्य आते ही नीचे संशोधित भाज्य निकालना है, और नया भाज्य 28 है, माइनस ध्वजांक इंटू भागफल फर्स्ट, तो 8 × 1। अब यहाँ पे देखो 28 में से 8 घटाएंगे तो 20, अब 20 में भाग देना है आपको 7 का, 7 × 2 = 14, 20 में भाग 7 का 3 बार तो ज़्यादा होता है, 7 × 21, तो 7 × 2 = 14, 2 बार जाएगा और 20 में से 14 बाकी निकालेंगे तो शेष फल बच जाएगा इसमें 6, शेष फल आ जाएगा 6। अब यहाँ पे 2 तो यहाँ पे लिखना है, शेष फल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस नए भाज्य के बाद में यहाँ पे शेष फल, फिर आगे वाले यहाँ लिखेंगे, फिर आगे वाले यहाँ पे, इस तरीके से अपन लिखते रहेंगे। अब नया भाज्य चौथा पॉइंट, नया भाज्य बनेगा आपके 67, नया भाज्य आ गया, फिर अपन को क्या लगाना है, संशोधित भाज्य लगाना है, और 67 माइनस ध्वजांक इंटू भागफल सेकेंड, भागफल सेकेंड आया 2, 12 से नहीं करना है, ओनली दूसरे भागफल से करना है, पहला 1 था दूसरा 2 है, तो आपको 2 से ध्वजांक से मल्टीप्लाई करके घटाना है 8 × 2, तो 67 − 16, अब घटाएंगे 7 में से 6 जाएंगे 1, 6 में से 1 जाएगा 5, 51 आ गया, और 51 में भाग देना है आपको 7 का। अब देखिए 7 का भाग 51 में देना है, तो 7 × 7 = 49 होते हैं, 8 × 2 = 16 इसमें से घटाने थे, यानी 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 7 × 7 = 49, शेष फल आपके बचेगा 49 में, 51 में से 49 2, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखिए अपन ने एक
सात का भाग नौ में दिया एक बार, दो शेषफल बच गया, सात एकम सात, सात दूनी चौदह, नया भाज्य 28 बन गया, 28 में संशोधित भाज्य 8, 20 बच गया, 20 में सात का भाग सात दूनी चौदह, शेषफल 6 बच गया और नया भाज्य 67, सॉरी यहाँ पे 5 है, नहीं नहीं 6 ही है क्योंकि यही तो चार अंक उतरेंगे, 98 में 765। चलो ठीक है आगे देखते हैं। अब देखिए नया भाज्य 26, 5 पॉइंट, संशोधित भाज्य 26 माइनस 2 इंटू 8 इंटू 2 7। देखिए ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, यानी 26 काफ़ी छोटा रह गया, क्या करें एक अंक कम दें, यहाँ पे 6 ही बार देंगे अपन, 7 × 6 = 42, फिर इसमें से घटाएंगे 42 9 शेषफल, यहाँ पे 6 लिखेंगे हम और गलत लिख दिया पहले, पूरा ऐसा बात दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उल्टा लिख दिया, एक बार पुनः देखते हैं क्यों गड़बड़ी हो रही थी सवाल में। देखो ध्वजांक इकाई का अंक लेना है, अभी 8 ले लिया था, मुख्यांक 8 लेना है तो 7 × 8 लेना है, 5 इसमें लेना है, 9, 8, 7, 6 उन्हें कर रहे हैं इसको, 9 में 8 का भाग देने हैं, 8 × 8 शेषफल 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1, नया भाज्य 18, संशोधित भाज्य 18 माइनस 7 × 1, तो 18 - 7 तो 11 बच गए। अब यहाँ पे 11 में आपको भाग देना है 8 का, तो 8 × 8, फिर 11 में से 8 घटाएंगे तो शेषफल बच जाएंगे 3, तो यहाँ पे 1 शेषफल 3। आगे नया भाज्य बन गए आपके 37, संशोधित भाज्य 37 में आपको घटाना है क्या 7 × 1, तो यहाँ पे 37 ही बचेंगे, 37 में से 7 घटाओगे तो सॉरी 30 बचेंगे, अब 30 में भाग देना है आपको वही 8 का, तो 8 × 3 = 24 और शेषफल 6 बच जाएंगे, तो यहाँ पे 3 और शेषफल 6, नया भाज्य 66, संशोधित भाज्य निकालना है इसका, संशोधित 66 में से आपको घटाना है ध्वजांक इंटू भागफल 30 तीसरा, तो 7 × 3 66 - 21, तो यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 6 में से 2 = 4। अब पांचवा पॉइंट आपको करना है 45 में भाग देना है 8 का, तो 8 × 5 = 40 शेषफल 5, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, नया भाज्य
55 संशोधित भाज्य माइनस इंटू 7 × 5 ध्वजांग इंटू भागफल 4 5 तो यहाँ पे 35 हो जाएंगे और घटाएंगे तो 20, ये इसका शेषफल आ जाएगा। देखिए इसके लिए खेद है, शुरुआत में थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक कर दी थी इसलिए गलत चल रहा था अपना भाग, लेकिन पुनः इसको अपन ने दोबारा किया है तो इसका भागफल तो आ गया 1135 और शेषफल आ गया 20। इस तरीके से अपन को करना था, एक बड़ा था वो भी आपको एक्सप्लेन करना है, बड़ी संख्या का था 879 का भाग देना है, इसमें कैसे देना है वो देखते हैं अपन। लास्ट सवाल है इसका ध्वजांक का, अब देखिए ध्वजांक का और प्रत्यावर्त द्वारा भी अपन एक्सप्लेन करेंगे इसका एक बार। देखिए इसमें 879 का भाग देना है, इक्कीस लाख 1532 में अपन को 879 का भाग देना है। देखिए कैसे देना है, वही तीन खंड बनाना है, ध्वजांग 9 मुख्यांग 87, तो 9 ऊपर लिख देंगे 87 नीचे, यहाँ पे 2 इसमें लिखेंगे, बाकी की मध्य खंड में लिखेंगे 210 153। अब आप कहेंगे सर संख्या तो बड़ी है, भाड़ा तो अपन को 20 तक ही नहीं आते, यहाँ तो 87 आ गए। देखिए बड़ी संख्या का भाग देने के कुछ ट्रिक्स होते हैं, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो उसका अपन भाग दे सकते हैं। कैसे देंगे वो देखना है अपन। पहला स्टेप आपको देखिए 87 का भाग 21 में नहीं जाएगा, 210 में देना है, तीन अंकों में जाएगा इस बार, क्योंकि दो अंक तो छोटे पड़ रहे हैं, जब दो अंक छोटे पड़ रहे हैं तो तीनों अंकों में देना है, 210 में अपन को भाग देना है 87 का। अब देखिए 87 का भाग मैं यहीं पे देकर के एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, 87 का पढ़ा नहीं आता लेकिन भाग तो कंप्लीट करना है, अब कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 8 का पढ़ा तो सबको आता है लगभग, 8 का भाग 21 में देना है, 8 × 16 = 24 तो ज़्यादा होते, तो 3 ही बार देना है, तो 3 × 8 = 24 सॉरी 2 ही बार देना है और 2 को इससे गुणा करके इसके नीचे लिखना है, तो 7 × 14 और 8 × 16 = 17, तो यानी इसमें से घटा देंगे 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ पे 10 में से 7 जाएंगे 3, इसका मतलब है 37, तो इसका शेषफल आ गया, भागफल आ गया 2। इस तरीके से अपन बड़ी संख्या का भाग देंगे, शेषफल 36। अब देखिए आगे शेषफल और भागफल लिखना है अपने स्थान पे, तो भागफल तो 2 लिखना है और शेषफल यहाँ पे लिखेंगे 36। अब देखो नया भाज्य, नया भाज्य क्या बनेगा, 361 बनेगा। संशोधित भाज्य निकालना है इसका, अब संशोधित भाज्य 361 में क्या क्या घटाना है, ध्वजांग इंटू भागफल फर्स्ट, तो 9 × 2 घटाना है, 9 × 2 = 18 घटाना है, 18 इसमें से घटाएंगे, 11 में से 8 जाएंगे 3, यहाँ पे 5 बच गए, 5 में से 1 जाएगा 4 और 3, 343 में भाग देना है 87 का, वही तरीका यहाँ पे देख करके बता देता हूँ मैं आपको, 343 में भाग देना है। अब देखिए 8 का भाग
आठ का भाग 34 में कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32, 3 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए पहले, 4 7 28 और 4 8 32, 4 8 32 और हासिल कितनी आई थी? 2 34। देखिए ज़्यादा है, ऊपर 343 नीचे 348 आ गया, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, 3 ही बार देंगे भाग। अब 3 ही बार देंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 और 3 8 24 और 2 26 बैठा देंगे, 2 14 में 6 जाएंगे 8, तो बढ़िया से इसका शेषफल बचेगा, भागफल 3, शेषफल बढ़िया से दोबारा देख लीजिए, 8 का भाग 34 में वैसे 4 बार जा रहा था, 4 बार ये संख्या बढ़िया आई थी, तो 4 बार नहीं देना है, 3 ही बार देना, तो 3 7 21 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26 घटाएंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पे हासिल ले लेंगे, 14 में 6 गए तो 8 और 2 में 2 0। अब देखिए आगे अपन को क्या लिखना है, भागफल तो लिखना है 3 और शेषफल लिखना है बढ़िया से, नया भाज्य बन गया 825। कैसे? पहले ये संख्या लिखनी है, नहीं है पहले 5 लिख ले फिर बढ़िया से लिख दिया, ऐसा नहीं, पहले ये लिखने फिर बाद में 5, वही संशोधित भाज्य। माइनस 9 को 3 से गुणा करना है, तो 9 3 27 आपको घटाने हैं, तो देखो 15 में से 7 जाएंगे तो 8, यहाँ 1 बचेगा, 1 की 11 बनाएंगे, 11 में से 2 जाएंगे तो 9, 798 798 बच गए। अब 798 में भाग देना है 87 का, 87 का भाग में देकर के बताता हूँ। अब देखिए 8 का भाग 79 में देना है, 8 नाम बेहतर 9 बार जाता है, क्योंकि 10 बार तो 80 होते हैं, तो यहाँ पे 9 बार देना है, 9 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, तो 9 7 63 हासिल हो गई 6 और 9 8 72 और 6 78। देखिए नीचे संख्या छोटी है तो इसका मतलब चला गया 5 1, तो भागफल तो आया 9 और शेषफल आया 15। तो अपन लिखेंगे यहां पे 9 लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे 15। अब देखिए नया भाज्य क्या बना, नया भाज्य बना 153 और संशोधित भाज्य, बताया था नया भाज्य आते ही संशोधित भाज्य आपको निकालना है, माइनस ध्वजांक इंटू भागफल तीसरा, तो 9 नाम 81, क्योंकि 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 घटाएंगे, अब यहाँ पे 81 घटाएंगे तो अपन कितने बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेंगे, यहाँ पे 15 में से 8 जाएंगे 7 72 बचेंगे। अब 72 में भाग देना है आपको 87 का, देखो पहले वाले दूसरे जो एक सवाल में स्थिति आई थी 5 में 13 का भाग दिया था अपन ने, नहीं गया था, तो अपन को क्या करना है, 72 में 87 का भाग नहीं जा रहा, संख्या तो प्लस है, कम नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना, प्लस वो तो माइनस है तो ही आपको भाग कम देना है, तो यहाँ पे अपन को कम नहीं करना है, 8 बार नहीं करना है, ये तो माइनस है तभी यहाँ पे 8 बार देना है, तो लेकिन प्लस आ रहा है, अब इसका 0 बार ही जाएगा और शेषफल वही आपके बेहतर ही बच जाएगा। अब 0 यहाँ पे लिखेंगे और बेहतर यहाँ पे लिखेंगे। अब नया भाज्य क्या बना, पांचवा पॉइंट 722, संशोधित भाज्य निकालना है इसका, 722 ध्वजांक 9 इंटू 0 घटाना है, क्योंकि चौथा भागफल 0 आया है। अब
यहाँ पे इसको जीरो से गुणा करेंगे, 9 को तो जीरो ही आएगा, तो 722 में से अपन जीरो घटाएंगे तो 722, ये इसका शेषफल आएगा, 722 इसका शेषफल आ जाएगा, ये ध्यान देंगे आप। तो भागफल तो आ गया इसका, ये रिंग डाल लेते अपन, तो इस तरीके से अपन को ये भाग करना था। ध्वजांग मेथड मैंने आपको चारों सवाल बता दिए हैं, आपको खुद रिपीट करना है, कैसे करना है वो आप अपने अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जहाँ तक हो सकती है मैंने हो सकता है सारी स्थितियाँ एक्सप्लेन कर दी है, तो ध्यान रखें आप, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए अब, क्योंकि फर्स्ट रोज भी बताया था मैंने और आज सारे बुक के सवाल एक्सप्लेन कर दिए हैं, चार ही सवाल आपको दे रखे हैं 1.1 में, और वैसे 1.1 ही प्रश्नावली है आपके वैदिक गणित में, और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके, तो इस बात का ध्यान रखें आप। अब देखिए सूत्र प्रावर्त योजित का भी एक दो सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इसमें एक दो सूत्र और बचे हैं जिसमें आपके ए सेक्शन में सवाल 100% पूछे जाते हैं। देखिए सूत्र प्रावर्त योजित का एक सवाल और बता देता हूं आपको, बाकी वैसे टप नहीं है, सूत्र प्रावर्त योजित सरल ही है। मैं बताता हूं आपको तीसरा सवाल, बाकी और तो सारे सेम ही हैं, कोई कठिन ही नहीं है। सूत्र प्रावर्त योजित, सूत्र परावर्त द्वारा भाग, द्वारा भाग करना। 1432 में, 1432 में भाग देना है 88 का। देखिए आधार 100 लेंगे इसका, विचलन ज्ञात करेंगे अपन, संख्या माइनस आधार, संख्या 88 है, आधार 100 है, माइनस के 12, ये माइनस के 12 आ गए, तो अब आपको क्या करना है, चिन्ह परिवर्तित करना है, बाकी निकलम के द्वारा ही करना है आपको। देखिए 88 यहाँ पे विचलन, माइनस 12 और चिन्ह परिवर्तित, तो प्लस के 12 लिखना पड़ेगा। आधार में 2 0 तो 2 अंक इसमें ले लीजिए, बाकी 14 इसमें, ये तो इसके लिखने का पैटर्न है, जैसे निकले में लिखा था वैसे ही इसको लिखना है। फर्क यह है यहाँ पे, उसमें पूरक संख्या लिखते थे, इसमें विस्कलन लिखेंगे, लेकिन परावर्ते का अर्थ है परिवर्तन करना है चिन्हों को आपको। विचलन अगर प्लस का है तो माइनस का लिखना है, माइनस का है तो प्लस का लिखना है, बस इतना सा फर्क है, बाकी और कुछ भी फर्क नहीं है। पहली संख्या आपको नीचे निकलम जैसे ही करना है, 1 उतार लिया, अब 12 को इससे मल्टीप्लाई करना, तो 12 एकम 12, फिर नीचे उतारेंगे तो 5 हो गए, 12 5 60 हो गया, 60 यहाँ पे उतारेंगे आप, इनको ऐड कर देंगे हम तो 2 3 2 5 और 6 11। अब देखिए एक बार निकलम में ऐसी स्थिति आई थी, 311 में 8 का भाग दिया था, शेषफल उसमें ज़्यादा आ गया था 15, इसमें भी शेषफल देखो 88 से ज़्यादा आ गया। क्या तरीका बताया था मैंने, वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करना है, कि अगर शेषफल भाग देने वाली संख्या यानी भाजक से ज़्यादा आ जाए, शेषफल हमेशा कम होता है, तो अपन क्या करें कि इसमें से भाग देने वाली संख्या घटा देंगे हम और इधर 1 जोड़ देंगे हम, 12 में से 8 जाएंगे 4, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पे 16। अब देखिए कम आ गया 88 से 24, तो भागफल तो बन गए इसका 16,
और शेषफल आ गया 24। यह है इस तरीके से देखो वैदिक गणित में एक सबसे इंपॉर्टेंट भाग बच गया है, दो सूत्र बच गए जिसके अनुप्रयोग हैं। सवाल इसके नहीं है लेकिन सवाल 100% आपके सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, बुक में भी दे रखे हैं। तो करना कैसे वो अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं किस तरीके से इनको प्रयोग में लाना है। देखिए पहला है सूत्र परावर्त योजित, परावर्ते योजित, ये पढ़ेंगे। इसका अर्थ है जिसका अर्थ पक्षांतर एवं समायोजन एवं समायोजन ट्रांसफर टू एडजस्ट, पक्षांतर करना और समायोजन, ट्रांसफर पक्षांतर तो और समय जो एग्जस्ट करते हैं जैसे आगे पीछे करके वही है। अब इसमें चार अनुप्रयोग हैं इस सूत्र के, जिसमें पहला है आपको दे रखा है प्रथम अनुप्रयोग, ध्यान से देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल आपको ऐसे आ जाए अरे कैसे, इसे मौखिक उत्तर भी दे सकते हैं अपन, मौखिक उत्तर देने के लिए क्योंकि ये इसीलिए बनाया गया है आपके देखो, और इसका बीजीय सूत्र हो तो यानी x बराबर d माइनस बी बटा a माइनस सी, यह है। फॉर एग्जाम्पल्स 4x प्लस 5 बराबर 3x प्लस 7, इसको हल करना हो या तो ये सूत्र याद रख सकते हैं, ये बना भी सकते हैं आप, बना ऐसे सकते हैं कि जैसे इसको इधर ले लें अपन और संख्या संख्या को, तो a एक्स माइनस सी एक्स हो गया और b इधर जाएगा तो d माइनस बी हो गया, x कॉमन ले लो a माइनस सी बच गया और d माइनस बी, एक्स से बाहर गुणा वाली राशि बटा में जाएगी d माइनस बी बटा a माइनस सी, इस तरीके से बना भी सकते हैं, वही इसमें है। a बराबर 4 हो गया, b बराबर 5 और c बराबर 3 और d बराबर 7। देखिए अब सूत्र अपना है d माइनस बी बटा a माइनस सी, d का मान 7 रखना है, b का मान 5 और a का मान 4, c का 3, तो 2 बटा एक, इसका आंसर 2 आ जाएगा। कहने का मतलब देखो क्या है इसका, पक्षांतर एवं समायोजन, यानी एक्स एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, संख्या संख्या को एक तरफ करके पक्षांतरी तो कर रहे हैं अपन, और पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है ये ध्यान दें, और फिर एक्स कॉमन लेकर के एक्स वाले गुणांक का भाग दे दे तो संख्या एक तरफ हो जाती है, एक्स का मान एक तरफ। तो इस तरीके से अपन ऐसा सवाल आए तो अपन को ये सूत्र लगाना है, ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग अपन देखेंगे इसमें द्वितीय अनुप्रयोग, द्वितीय अनुप्रयोग यह है ये बटा के रूप में दे रखा है ए एक्स प्लस बी बटा पी और सी एक्स प्लस डी बटा क्यू, इसका बीजीय सूत्र यह है एक्स बराबर, इसका बीजीय सूत्र यह होगा कि डी पी
माइनस बी क्यू बटा ए क्यू माइनस सी पी, ये है। अब आया कैसे, ये बना कैसे? कई बच्चे होते हैं सर याद ही नहीं रहता है कैसे करें, तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बना भी सकते हैं। ये बना कैसे, देखिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर, कि ए एक्स प्लस बी बटा पी और सी एक्स प्लस डी बटा क्यू। अब देखिए आप जानते हैं वज्र गुणन, बटा का सवाल होता है तो वज्र क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इसको इससे गुणा कर दो, तो ए क्यू एक्स और बी क्यू हो जाएगा। अब पी को इन दोनों से गुणा करना है तो पी सी एक्स और डी पी। अब क्या करना है, एक्स वाले पद तो एक तरफ लेने, संख्या वाले पद एक तरफ, पक्षांतर करेंगे हम, तो यहाँ पे ए क्यू एक्स माइनस पी सी एक्स डी पी माइनस बी क्यू। एक्स कॉमन ले लीजिए आप तो ए क्यू बच जाएगा अंदर और सी पी या पी सी डी पी माइनस बी क्यू। एक्स का मान निकालना तो गुणा वाली राशि इसके बटा में जाएगी, तो डी पी माइनस बी क्यू बटा ए क्यू माइनस सी पी, ये बीजे सूत्र अपन ने बना लिया, सही है ना। तो इस तरीके से अगर कोई सवाल आता है बटा का तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा अनुप्रयोग ऐसे है, तृतीय अनुप्रयोग, क्योंकि इसके चार अनुप्रयोग है प्रावर्त्य के, तृतीय अनुप्रयोग ऐसे है कि अगर मान लीजिए आपकी कोष्टक के रूप में संख्या आ जाए, यदि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी, इसका बीजीय सूत्र एक्स बराबर सी डी माइनस ए बी, सी डी माइनस ए बी बटा ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये भी आपके एक बार बनाने का तरीका बता देता हूं कैसे बना। साइड में कि ताकि आपके बर्डन नहीं रहे कि सर ये कैसे याद होंगे, तो अपन इनको बनाने का तरीका समझ लेते हैं, तो सवाल चाहे कितने ही बड़े हो अपन कर सकते हैं। मेथड याद हो तो देखो, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर x प्लस सी और x प्लस डी, दो कोष्टक खोलने का तरीका अपन ने नाइन्थ में सीखा था। पहले कोष्टक की पहली संख्या लिखते हैं, दूसरा कोष्टक ऐसे कैसे, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या चिन्ह सहित प्लस ए, फिर दूसरा कोष्टक लिख दो ऐसे कैसे, और पहले कोष्टक की पहली संख्या एक्स प्लस डी, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या फिर एक्स प्लस डी। कहने का मतलब एक्स को इन दोनों से गुणा करना, तो एक्स को एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, फिर इसको ए एक्स प्लस ए बी। कोष्टक खोल रहे हैं, बाहर वाली संख्या अंदर गुणा हो रही है, ये सभी में ये इससे गुणा हो गई, ये इससे गुणा हो गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी सी एक्स प्लस सी डी या डी सी। अब सी डी रह गए दो, क्योंकि सूत्र में सी डी दे रखा है, ये तो कट जाएंगे अब आपकी, क्योंकि इधर लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स एक्स एक तरफ करेंगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स, तो ये तो इधर ही रहेंगे, ये दोनों ही मान इधर आएंगे, तो माइनस का सी एक्स माइनस का एक्स डी, इधर वाले मान तो इधर उतारो सी डी, और ये इसके साथ एक्स नहीं है तो माइनस का ए बी,
इन चारों में से x कॉमन ले लो तो a प्लस बी माइनस सी माइनस डी और ये सी डी माइनस ए बी। एक्स का मान निकालेंगे तो सी डी माइनस ए बी बटा ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये इसका बीज सूत्र बन गया। सूत्र पक्षांतर और समायोजन के अकॉर्डिंग ही अपन को निकालने भाई, कोष्टक खोलने, पक्षांतर करके एक्स एक तरफ कर लो और संख्या संख्या एक तरफ, सभी में यही लगेगा। चौथा अनुप्रयोग दे रखा है इसमें, चौथे अनुप्रयोग में चतुर्थ अनुप्रयोग, ये ऐसे है यदि कोई रैखिक समीकरण m बटा x प्लस a प्लस n बटा x प्लस b इक्वल जीरो हो, जीरो है ये सिक्स नहीं में मानेंगे आप, और इसका बीजीय सूत्र यह बनेगा x बराबर माइनस एम बी प्लस एन ए बटा एम प्लस बी एन, ये इसका बीजीय सूत्र बनेगा। वो इसका भी बना सकना चाहो तो बना सकते हो, कैसे कि जैसे m बटा x प्लस a और प्लस n बटा x प्लस b, इसको इधर ले जाओ आप तो माइनस m बट n बटा x प्लस b वजगुणन कर दो तो ये तो आपके m x हो गया एक तो प्लस m b, और इधर आपकी ये माइनस का एन एक्स और माइनस ए एन, या एन एक्स एक्स एक तरफ तो ये तो इधर आकर के प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का और ये भी इधर जा कर के माइनस का, तो माइनस का एम बी और माइनस का एन ए, माइनस इन इसमें से कॉमन ले लो तो एम बी माइनस एन ए, और इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो m प्लस एन, x का मान निकालेंगे तो ये कोष्टक इसके नीचे चला जाएगा माइनस कोष्टक एम बी सॉरी प्लस एन ए और बटा m प्लस एन, ये इसका भी ये सूत्र इस तरीके से बन गया। तो देखिए सूत्र प्रावर्त्य योजय द्वारा अपन चार अनुप्रयोग पढ़े हैं, चारों के आधार पर सवाल उसमें पूछ लिया जाता है सेक्शन ए में। अब देखिए एक सूत्र और है, सूत्र शून्य सामे समूचे, इसके छः अनुप्रयोग है, छः चार दस है टोटल दो सूत्रों के। देखिए अब छः अनुप्रयोग कैसे करेंगे अपन, ताकि आज वैदिक गणित कंप्लीट हो जाएगी आपकी। देखिए दूसरा सूत्र शून्य सामे समूचे, जिसका अर्थ समूचे परस्पर समान होने पर शून्य होता है, समूचे समान होने पर चर का मान शून्य होता है। समूचे का मतलब या तो x x के पद हो, बहुत सारी संख्याएं हो, उनको समूचे कहा जाता है। अब इसके छह अनुप्रयोग है, जिसमें पहला अनुप्रयोग कर पढ़ेंगे
सूत्र का प्रथम अर्थ एवं अनुप्रयोग देखिए, सूत्र का प्रथम अर्थ और उसका अनुप्रयोग कहाँ पे कैसे लगाना है, जिसका अर्थ ये दे रखा है यदि समीकरण के प्रत्येक पद में x एक सर्वनिष्ठ हो तो बीजिए सूत्र x बराबर जीरो होगा। यदि समीकरण के प्रत्येक पद में x सर्वनिष्ठ हो, सर्वनिष्ठ का मतलब सभी जगह x कॉमन हो, सर्वनिष्ठ हो तो बीजीय सूत्र x बराबर जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल्स 4x प्लस 5x 6x प्लस 7x, देखिए x x x x सब जगह x है तो x सर्वनिष्ठ है, अतः x बराबर जीरो, बस ऐसा आ जाए। दूसरा सूत्र का द्वितीय अर्थ एवं अनुप्रयोग, इसमें क्या है कि जब एक घातीय यानी रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो तो चर का मान शून्य होता है। कैसे? यदि एक घातीय समीकरण में स्वतंत्र पद समान हो तो चर का मान शून्य होता है। मतलब चर और अचर और स्वतंत्र पद परतंत्र पद, परतंत्र पद x से जो मान होते हैं बीजी अक्षर होते हैं वो परतंत्र पद, क्योंकि उनका मान बदलता रहता है, स्वतंत्र पद का मान नहीं बदलता है, जो कांस्टेंट होते हैं उनका मान स्थिर होता है। अब फॉर एग्जांपल इसके तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जांपल आपको ऐसे दे रखा है कि x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 4 इजकल टू 2x प्लस 6। देखिए हल करेंगे, स्वतंत्र का मतलब जिनके x लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, अगर x लगा हुआ तो वो स्वतंत्र नहीं है। देखो यहाँ पे इसको कोष्टक को खोलेंगे तो x प्लस 3, इसको भी कोष्टक प्लस से खोलेंगे तो 2x प्लस 5 और प्लस 4, इसको अंदर गुणा कर दो 2x प्लस 12, क्योंकि दो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए इधर के स्वतंत्र पद देखो 3 और 5 8 4 12, इधर भी 12 और इधर भी 12, तो दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान है, अतः x बराबर 0 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग आप देखिए स्वतंत्र पद समान हो तो चर का मान x का मान 0 ही होगा। यह है तीसरा देखेंगे हम सूत्र का तृतीय अर्थ है अनुप्रयोग। बुक में दे रखे सारे एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, बुक आपके पास होनी चाहिए, आप गहन अध्ययन करना चाहे तो, और करना ही है, बुक में सब चीज़ें एक्सप्लेन दे रखी हैं, आपको केवल समझाना था, बाकी बुक के माध्यम से आप अच्छी तरीके से और भी समझ सकते हैं। सूत्र का तृतीय अर्थ एवं अनुप्रयोग, सूत्र का तृतीय अर्थ क्या होगा, जब
दो भिन्नु और उनके अंश समान हो, तो हरों का योग हरों के योग को शून्य के बराबर रख कर चर का मान ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपके चार मान लीजिए एक बटा एक्स प्लस पाँच है और एक बटा एक्स प्लस चार जीरो है, पढ़ लीजिए दो भिन्न हो गई, उनके अंश समान है, अंश यहाँ पर एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच कुछ भी आ सकता है, अंश इक्वल होने चाहिए। नीचे अब अगर ये कंडीशन लग रही है तो इनके क्या करना है, हरों का योग करना है, हरों का योग यानी x प्लस पाँच और x प्लस चार, तो x में जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा और पाँच चार नौ हुई। अब इसके बराबर जीरो बनाना है, क्या कह रखा है जीरो। अब इसको हल करना जानते हैं, संख्या को इधर भेज देंगे बाकी दो का भाग दे देंगे तो पक्षांतर करने पे चिन्ह चेंज हो जाता है माइनस नौ, तो x बराबर माइनस नौ बटा दो, ये इसका आंसर आ जाएगा, सही है ना। तो इस तरीके से इसको हल कर देंगे। अगला देखो सूत्र का चतुर्थ अर्थ, सूत्र का चतुर्थ अर्थ, चौथा अनुप्रयोग, ये क्या है सूत्र का चतुर्थ अनुप्रयोग। ये इसमें क्या है कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में अंश और हर दोनों में ही एक्स आएगा, तो इसमें यदि समीकरण के दोनों पक्षों में हरों अंश व हरों का योग समान या किसी अनुपात में हो तो योग को शून्य के बराबर रख करके एक्स का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, जब समीकरण के अंशों व हरों का योग समान होने पर योग को शून्य के बराबर रख कर चर यानी एक्स का मान ज्ञात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए, 2x प्लस थ्री, 2x प्लस फाइव और 2x प्लस फाइव और 2x प्लस थ्री, नियम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अंशों अंशों को जोड़ना है, हरों हरों को जोड़ना है। तो देखो अंशों का योग करेंगे अपन, अंश ऊपर वाला होता है, इसका अंश है इसका अंश है, तो 2x प्लस थ्री और 2x प्लस फाइव, x तो x में जुड़ेगा तो दो और दो चार x, संख्या संख्या में पाँच तीन आठ। अब हरों का योग, देखिए हरों के योग में क्या करना है, 2x प्लस फाइव, इसका हर ये है इसका हर ये, और 2x प्लस थ्री वही 4x प्लस एट हो जाएगा, क्योंकि दो और दो चार और पाँच है तीन आठ, दोनों बराबर हैं तो योग को क्या करना है, जीरो के बराबर करना है, किसी भी योग को कर दो, 4x प्लस एट इक्वल टू जीरो, चार को इधर ले जाओ आप, सॉरी आठ को, तो माइनस के आठ और चार का भाग दे देंगे हम, माइनस के दो आ जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा
और वैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाता है। देखो तो इसमें यही है मौखिक, इनका जवाब दे सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं अपन पांचवा, दो ही अनुप्रयोग और बचे हैं इसका। सूत्र का पंचम अर्थ, सूत्र का पंचम अर्थ एवं अनुप्रयोग। पंचम अर्थ में क्या होता है, वही अंश और हर में एक्स होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा भिन्न होगा कि अंश में से हर घटाना है बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में भी अंश में से हर घटाना है। अगर दोनों समान है अंतर, तो अंतर को शून्य के बराबर रख करके ज्ञात करेंगे। यदि समीकरण के बाएं पक्ष में अंश व हर का अंतर और दाएं पक्ष में अंश व हर का अंतर समान है तो अंतर को शून्य के बराबर रख कर चर का मान ज्ञात करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल्स आपको दे रखा है, जैसे 3x प्लस 4 और 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 8 और 2x माइनस 5। नियम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, बाएं पक्ष में अंश माइनस हर करेंगे। देखिए अंश माइनस हर, इसका तो अंश ये है 3x प्लस 4 और माइनस करना, सॉरी अब यहाँ भी देखो आपको करना क्या है, कोष्टक में लेना है, ये ध्यान रखना है। अगर ये कोष्टक नहीं लगाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस नहीं हो पाएगा। 3x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 1, एक्स में से एक्स घटाना है तो 3x में से 2x तो एक्स ही बचेगा, 4 में से घटाएंगे तो प्लस 3। ये तो आया बाएं पक्ष में, यानी अंश में से हर बाएं पक्ष में घटाया तो क्या आया x माइनस 3, एक्स प्लस 3। अब दाएं पक्ष का कर रहे हैं अपन, वो अंश में से हर घटाना है तो x माइनस 8, यहां पे माइनस और कोष्टक में लिखना है आपको 5, माइनस से अंदर गुणा करोगे माइनस 2x प्लस 5, 2x में से x घटाना तो माइनस का x बचेगा, 8 में से प्लस के 5 तो माइनस, माइनस इन कॉमन ले लो, देखो बराबर आ रहा है, यानी आगे का मान इक्वल आ रहा है, आगे चिन्ह चाहे कुछ भी आए, संख्या चाहे कुछ भी आए, ये कोष्टक इक्वल आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, x प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे, 3 को इधर ले लेंगे तो x बराबर माइनस 3 इसका आंसर हो जाएगा, ये पाँचवा। अब आप कहेंगे सर चौथे और पांचवा तो सेम सही है, कैसे कन्फ्यूज दूर करें, आपको करना क्या है, इसमें अगर चौथा लगता है दोनों के अंश अंश जोड़ लो और हर हर जोड़ लो, अगर वो इक्वल आ जाते तो वो लगा दो, और फिर वो इक्वल नहीं आते तो फिर ये लगाना, इस तरीके से इस कन्फ्यूज को आप दूर कर सकते हैं। बाकी दोनों सेम सही है और पूछे भी जाते हैं। अब जो लास्ट वाला इम्पोर्टेंट है, इसमें से 3 बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, जो लास्ट अनुप्रयोग है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है और 3 बार बोर्ड में पूछा जा सकता है, जा चुका है, 2018 में भी आया था। सूत्र का षष्ठ अर्थ एवं अनुप्रयोग, ये क्या है, जब किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक पक्ष, पक्ष कितने होते हैं, 2 होते हैं, बायां और दायां, तो बाएं पक्ष में भी 2 भिन्न होनी चाहिए और दाएं पक्ष में भी 2, लेकिन उनके अंश समान होनी चाहिए, तो वही अपन पीछे पढ़ चुके हैं, हरों का योग बाएं पक्ष का भी करेंगे और दाएं पक्ष का भी। तो इस तरीके से इसमें है
जैसे मैं बता देता हूँ, जब किसी समीकरण की बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में दो भिन्न हो, दो दो भिन्न हो और उनके अंश समान हो, हो तो बाएं व दाएं पक्षों के हरों का योग यदि बराबर आता है तो योग को शून्य के बराबर रखकर चर का मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए एक सवाल एग्जाम्पल के तौर पे बोर्ड में कैसे आता है इसका सवाल, हाँ ये लिखा हुआ आएगा उसमें। तो देखो एक बटा एक्स प्लस सात, एक बटा एक्स प्लस दस, एक बटा एक्स प्लस नौ और एक बटा एक्स प्लस आठ। नियम के अकॉर्डिंग देखो बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में दो दो भिन्न है, अंश समान है तो अपन बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के हरों का योग करेंगे। अगर योगफल बराबर तो योग को शून्य के बराबर रख करके एक्स का मान निकालेंगे। तो पहले बाएं पक्ष के हरों का योग, एक्स प्लस सात और एक्स प्लस दस, तो दो एक्स प्लस सत्रह हो गए क्योंकि एक्स एक्स में जुड़ेगा संख्या संख्या में, और दाएं पक्ष के एक्स प्लस नौ और एक्स प्लस आठ, तो ये एक्स एक्स दो एक्स प्लस नौ और आठ सत्रह, देखो दोनों इक्वल आ रही। तो किसी भी योगफल को क्या करना है, जीरो बनाना है शून्य योग को। तो टू एक्स प्लस सेवनटीन पक्षांतर कर दो, टू एक्स सत्रह इधर आ जाएंगे माइनस के और दो का भाग दे दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वैसे तो वैदिक गणित के माध्यम से कह दो इतना ही, अगर इसका एलसीएम इधर भी ले इधर भी ले फिर हल करेंगे तो डेढ़ पेज भर जाएगा। जैसे पिछली कक्षा में एक बालिका थी वो ऐसा ही करती थी तो एक डेढ़ पेज भरती थी फिर भी आंसर न के बराबर आते थे। इस तरीके से ध्यान दें तो आज वैदिक गणित कंप्लीट हो गई आपकी, टोटल सभी सूत्रों का एक्सप्लेन कर दिया है जो आपके पाठ्यक्रम में था, सभी सवाल आपको बता दिए जो आपके प्रश्नवाली में थे। तो नेक्स्ट जब लेक्चर लगेगा तो अपन दूसरी प्रश्नवाली स्टार्ट करेंगे। वैदिक गणित में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट करके या व्हाट्सएप के माध्यम से और पूछ सकते हैं। बाकी 100% आपके तीन नंबर एज ए तैयार होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं।